तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग यहाँ पर जानने वाले हैं कि फेसबुक से हम अपने गली मोहल्ले शहर कस्बे कॉलोनी की लड़कियों को किस तरीके से पता कर सकते हैं कि उनकी कौन सी फेसबुक आईडी है जो मेरी गली मोहल्ले या कस्बे कॉलोनी में जो लड़की फेसबुक आईडी चलाती है। तो दोस्तों ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को फुल लास्ट तक जरूर देखें। इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर आपको एक सर्च का आइकन मिलेगा, सिंपली आप सर्च के आइकन पर एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे आप सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपने गली मोहल्ले का नाम लिख देना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं सागर नहर से हूँ, तो यहाँ पर मैं सागर नहर को यहाँ पर टाइप करूँगा। पर यहाँ पर आपकी लोकेशन जो है वो ऑन होना चाहिए। अगर आप सागर नहर में हैं तब जैसे जिस जगह पर उस जगह का नाम डालेंगे और आपकी लोकेशन जो होगी वहीं की मतलब अपने आप पकड़ लेगी। तो यहाँ पर मैंने सागर नहर जो है वो यहाँ पर डाल लिया है। उसके बाद में आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपको पोस्ट पीपल के सामने इधर की तरफ स्वाइप करना है और यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको प्लस पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्लस के आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको एक दो बटन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे नीचे यहाँ पर आपको एक लोकेशन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप लोकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस लोकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो मोबाइल की लोकेशन है वो यहाँ पर पकड़ लेगी। तो यहाँ पर आपकी जो गली मोहल्ले की लड़कियाँ जो फेसबुक आईडी चलाएंगी वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर आप सर्च करना चाहते हैं सिटी का नाम तो ऊपर आपको अपने सिटी का नाम लिख देना है। तो यहाँ पर मैं सागर नहर से हूँ, तो यहाँ पर मैं सागर नहर यहाँ पर टाइप करूँगा, सागर नहर जयपुर राजस्थान। तो यहाँ पर मैंने सागर नहर टाइप किया और उसके बाद में यहाँ पर आपकी लोकेशन आ जाएगी। इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और सर्च लोकेशन पर नीचे क्लिक करेंगे। जैसे आप सर्च लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा फोटोज़ का, तो सिंपली आप पोस्ट फोटोज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो आज के टाइम में यानी जैसे मैं आज इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो आज की डेट में जितने भी फ़ोटो वीडियो फाइल्स इस मोहल्ले की लड़कियों या लड़कों ने अपलोड की होगी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब जैसे ही आप अपनी गली मोहल्ले की लड़की को पहचान लेंगे उसके बाद पर उसी वाले फ़ोटोज पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं एक फ़ोटो पर क्लिक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इनसे किस तरीके से चैट करना है, किस तरीके से इनसे बात करनी है। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों, ऊपर के लिए मैं स्वाइप करता हूँ और यहाँ से इस फ़ोटो को यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने किस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, या नीचे आपको प्रोफाइल दिखाई दे जाएगी, सिंपली आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेंड मैसेज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप इनसे चैट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने गली मोहल्ले की लड़कियों से बहुत ही इजीली तरीके से चैट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनकी फेसबुक आईडी को पता कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो हमारे इस चैनल पर बहुत सारी अपलोड हैं, आप उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप बहुत सारी इसी तरह की इंटरेस्टेड वीडियो को आप लोग देख पाएंगे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर आपका जिस भी कंपनी का मोबाइल है उस कंपनी का नाम लिख देना।